सीधे रुख करेंगे लोकसभा की कार्यवाही का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, पिछले कुछ समय से राज्यसभा में सदन चल नहीं पा रहा है। मैं लोकसभा के सभी सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस इश्यू की सेंसिटिविटी होने के बावजूद भी सदन को चलने दिया है। ये विवादित बयान के संबंध में संसद में मसला उठने से पहले जब मेरी पार्टी के एमपीज की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने बड़ी कठोरता के साथ ऐसे शब्द प्रयोग, ऐसी भाषा का प्रयोग न करने पर हिदायत भी दी थी, अपनी नाराजगी भी प्रकट की थी। और कोई भी ऐसी चीजों को अप्रूव नहीं कर सकता है। बाद में मंत्री श्री ने माफी मांगी है। मंत्री श्री नए भी हैं, उनके सामाजिक बैकग्राउंड को भी हम जानते हैं, गांव से हैं, और उन्होंने क्षमा मांगी है। और इस सदन में वरिष्ठ जनों का ये कर्तव्य रहता है कि इतने बड़े सदन के सामने हमारा एक साथी जब क्षमा मांगता है तो हमने भी उदारता बतानी चाहिए। मैं लोकसभा के सभी सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने सदन को चलने दिया है। और मैं इस बात पर पूरे सदन को भी और हम सबका सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं ये दायित्व मानता हूं। मर्यादाओं को हम सबने स्वीकार करना चाहिए और उन मर्यादा में रह करके ही अपनी बातें, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, हमने बोलनी चाहिए और उसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मैं मानता हूं कि जब मंत्री श्री ने क्षमा मांगी है और एक नए मंत्री तो सभी वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने अपने दल के लोग जो वहां बैठे हैं उनको भी अनुरोध करना चाहिए और इस विषय को समाप्त करके देश हित में अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, अब उसके बाद क्या होता है ना, एक तो कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। नो खड़गे जी, कल भी आपने, आप ही लोग बार बार मांग रहे थे, इसलिए आज प्रधानमंत्री जवाब दो, आपकी घोषणाएं थी, तो आज प्रधानमंत्री ने इस बात को बोल दिया है। मुझे लगता है अब इस विषय को जी प्रधानमंत्री जी को किस संदर्भ में ये कदम उठाया गया है और क्यों इस सदन में ऐसी घटना हुई, क्योंकि उनके नोटिस को भी लाना जरूरी है, क्योंकि सदन के नेता है तो हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है या किसी व्यक्ति का बैकग्राउंड देकर एजिटेशन या यहाँ पर जो ऐसे माहौल तैयार नहीं कर रहे। हमारा ये कहना है कार्यवाही का सीधा प्रसारण, और आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के ठीक पीछे राहुल गांधी बैठे हैं। और बड़ी बात यह है कि अब भी काली पट्टी उन्होंने लगा रखी है, वो काली पट्टी जिसके साथ संसद परिसर के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के ठीक पीछे राहुल गांधी बैठे हैं। फिलहाल इस तस्वीर में सैंगल से आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें वो काली पट्टी जिसके साथ आज संसद परिसर में वो घुसे, उन्होंने विरोध किया कि चेयर बोलने का मौका नहीं दे रहा है, वही विरोध उनका संसद के भीतर। ये देखिए राहुल गांधी को अब आप देख पा रहे हैं, कैमरा अब उन्हें देख पा रहा है, और आप देख रहे हैं उनके चेहरे पर वो काली पट्टी बंधी हुई है, उन्होंने अपना मुंह उस काली पट्टी से ढका हुआ है। और बड़ी बात यह है कि ये काली पट्टी संसद परिसर के भीतर अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुंह में बांध रखी थी। इसके बाद बात समाप्त तो हो जाना चाहिए। इट ऑल नो, आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 181, एमबी राजेश, मिस्टर एमबी राजेश, डोंट वांट टू आस्क द क्वेश्चन। मैडम, प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। मिस्टर मिनिस्टर, I'm sorry. Yes. Table कीजिएगा तो ready to see the answers table on the house. Okay. श्री पी वेणुगोपाल जी, I'm sorry. पी वेणुगोपाल जी, आप प्रश्न पूछना चाहेंगे सप्लीमेंट्री? Yes. I'm sorry. रोज रोज बात नहीं होती है।
माइक माइक आपका माइक ऑन है, उनका माइक ऑन है। Keen on replacing the planning commission in the name of reformation. In a democratic setup, social welfare schemes are to be evolved by the political sections of the society. Whether this government will ignore the need. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तब की तस्वीरें मल्लिकार्जुन खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे, उनके ठीक पीछे बैठे राहुल गांधी, और ये देखिए उन्होंने मुंह पर काली पट्टी बांध रखी है। तो हम किसी काली पट्टी बांध रखी है सिस्टम के खिलाफ, उनकी ये लड़ाई जो वो कह रहे हैं, और संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है बाकी पार्टियों को, ये विरोध उनका संसद परिसर में। राहुल गांधी ने बाकी चार दलों के साथ विरोध किया काली पट्टी बांधकर, आज वो आए और इसी तरह से वो सदन के भीतर भी बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं काली पट्टी बांधकर राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष सिस्टम के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए कुछ इस अंदाज में, और कहना ये देखिए, ये संसद परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं, तब की जब कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी, उससे ठीक पहले कांग्रेस सांसदों के साथ, जिसमें टीएमसी के सांसद, मुस्लिम लीग और आम आदमी पार्टी के सांसद भी मौजूद थे, राहुल गांधी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ उनका विरोध है, और वो इस बात का कि संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है बाकी पार्टियों को। और लोकसभा के अंदर की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, उनके ठीक पीछे राहुल गांधी बैठे हैं, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनके मुंह पर काली पट्टी बंधी हुई है। तो एक नए अंदाज में अपना विरोध जताते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दूसरी पंक्ति में बैठे हैं ठीक मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे, और मुंह पर बांधी है काली पट्टी। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सबसे पहले तो ये बताएं, राहुल गांधी जिस तरह से मुंह पर काली पट्टी बांधकर सदन के भीतर बैठे, ये अंदाज उनका पहले देखने के लिए नहीं मिला, कैसे देखा जाए इसे? जी हाँ, बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है 10 साल बाद, और ऐसी सूरत में विरोध प्रदर्शन का जो तरीका है वो भी नया नया रुख अख्तियार कर रहा है। और आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो तमाम बीजेपी और टीएमसी के सांसद मुंह पर काली पट्टी बांधे बैठे हुए थे, राहुल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मुंह पर काली पट्टी बांधे बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात की मांग की कि भविष्य में भी ऐसी कोई ऐसा कोई बयान नहीं होगा, इस बात का आश्वासन देना चाहिए प्रधानमंत्री को। इस पर चेयर की तरफ से इनकार कर दिया गया कि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद अब ये मसला समाप्त हो जाना चाहिए, और तमाम जो विपक्षी दल थे कांग्रेस, टीएमसी, सपा, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, सभी ने वॉकआउट कर दिया है लोकसभा से, सभी लोकसभा से वॉकआउट करके कार्रवाई का बहिष्कार करके सदन से बाहर निकल गए। विकास, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, टीएमसी और इसके अलावा और कौन से दल हैं जिन्होंने वॉकआउट किया है प्रधानमंत्री के बयान के बाद? समाजवादी पार्टी, उसके अलावा मुस्लिम लीग और तमाम विपक्षी दल जितने भी हैं सभी ने, सीपीएम, सीपीआई, सभी ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया है। सभी दल प्रधानमंत्री के भाषण के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो मांग कर रहे थे उससे सहमत थे कि प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से इस बात का आश्वासन दिया जाना चाहिए कि किसी भी भविष्य में कभी भी किसी मंत्री की तरफ से इस तरह का बयान नहीं आएगा, ये देश को तोड़ने वाला, सामाजिक भेदभाव पैदा करने वाला बयान है, और इस तरह के आश्वासन की मांग कर रहे थे। लेकिन स्पीकर की तरफ से इस बात पर इंकार कर दिया गया, उन्होंने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री के बयान की मांग की जा रही थी इस मसले पर, और प्रधानमंत्री अपना बयान दे चुके हैं, ऐसी सूरत में इस मसले को, साध्वी निरंजना के बयान के मसले पर जो गतिरोध बना हुआ है उसको समाप्त करके लोकसभा की कार्रवाई चलने देना चाहिए। लेकिन इसके बाद ही तुरंत सभी विपक्ष के सांसद अपनी चेयर से उठे और उन्होंने अपने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। जी विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री ने साध्वी निरंजन ज्योति पर लोकसभा में अपना बयान दिया, बावजूद उसके विपक्ष संतुष्ट नहीं, विपक्ष ने वॉकआउट किया है लोकसभा से, कांग्रेस, एसपी, तृणमूल, ये तमाम सांसद विरोध जताते हुए इन्होंने वॉकआउट किया। विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो एक बड़ी बात सामने आई है वो ये कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस अंदाज में काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है, और जैसा कि विकास बता रहे थे कि सदन के भीतर भी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे जो काली पट्टी बांधकर राहुल गांधी सदन के भीतर दिखाई दिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर साध्वी निरंजन ज्योति पर क्या कुछ कहा, सुनिए। संसद में मसला उठने से पहले जब मेरी पार्टी के एमपी की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने बड़ी कठोरता के साथ ऐसे शब्द प्रयोग, ऐसी भाषा का प्रयोग न करने पर हिदायत भी दी थी, अपनी नाराजगी भी प्रकट की थी, और कोई भी ऐसी चीजों को अप्रूव नहीं कर सकता है।
बाद में मंत्री श्री ने माफी मांगी है, मंत्री श्री नए भी है, उनके सामाजिक बैकग्राउंड को भी हम जानते हैं, गांव से हैं, और उन्होंने क्षमा मांगी है। और इस सदन में वरिष्ठ जनों का ये कर्तव्य रहता है कि इतने बड़े सदन के सामने हमारा एक साथी जब क्षमा मांगता है तो हमने भी उदारता बतानी चाहिए। मैं लोकसभा के सभी सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने सदन को चलने दिया है, और मैं इस बात पर पूरे सदन को भी और हम सबका सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं ये दायित्व मानता हूं। मर्यादाओं को हम सबने स्वीकार करना चाहिए और उन मर्यादा में रह करके ही अपनी बातें चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो हमने बोलनी चाहिए, और उसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मैं मानता हूं कि जब मंत्री श्री ने क्षमा मांगी है और एक नए मंत्री तो सभी वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने अपने दल के लोग जो वहां बैठे हैं उनको भी अनुरोध करना चाहिए और इस विषय को समाप्त करके देश हित में अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लोकसभा में प्रधानमंत्री के साध्वी पर बयान से संतुष्ट नहीं हुआ विपक्ष, विपक्ष ने वॉकआउट किया और इस बीच संसद के भीतर काली पट्टी बांधकर विरोध करते दिखाई दिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी।